नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ। आप देख रहे हैं लाइफ एक्सप्लोर और आज हमारे चैनल पे जो वीडियो आया हुआ है उसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो डाला हुआ था इस चैनल पे जो था ड्रैगन फ्रूट्स के बारे में, और उसमें मैंने सहजन, शतावरी और काला गेहूँ और काले चावल के बारे में भी बात की थी। पर उस वीडियो में मैं आपको काला चावल की जो खेती है वो दिखा नहीं पाया था, जो फसल थी वो नहीं दिखा पाया था ब्लैक राइस की। इस वीडियो में हम वापस आए हैं बाराबंकी से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर बिसुनपुर क्षेत्र में, और हम आपको आज दिखाने वाले हैं काला चावल की खेती कैसे होती है और काले चावल की पकी और रेडी फसल जो है, मतलब ब्लैक राइस की रेडी फसल जो है वो आपको दिखाएंगे, उसके बारे में सारी जानकारी आपको देंगे। और ऐसा बताया जाता है कि ये जो है यहाँ पर जिन्होंने ये फसल की है गया प्रसाद जी ने, वो पहली बार इस फसल को लगाया है, तो हम भी चल के देखेंगे कि इस क्षेत्र में बिल्कुल नया है ये। और मैंने भी आपसे वादा किया था उस वीडियो में कि आपको मैं इसको ज़रूर दिखाऊंगा अगले वीडियो में, तो जैसे ही फसल रेडी हुई हम वापस यहाँ पर आ गए हैं और अब आज चल के देखते हैं उस फसल के बारे में सारी जानकारी आपको देते हैं और आपको वहीं से एकदम लाइव दिखाएंगे उस फसल के बारे में और उसको दिखाएंगे कि कैसे क्या क्या होता है, ऐसे क्या गुण है, कैसे करना है, और बाकी जितनी भी जानकारी है वो हम आपको वहीं चल के देंगे। तो आज हम आ गए हैं काला चावल देखने के, जैसा मैंने आपको बताया था, तो हम काले चावल के जो खेत है उसके पीछे खड़े हुए हैं और हम आपको दिखा रहे हैं। आप थोड़ा सा देखिए, ये है जो काला चावल जिसके बारे में हमने बात की थी आपसे, वो ये है, और इसके ये धान है और धान के अंदर से जो चावल निकलेगा जो वो भी काला चावल ही निकलेगा। और इसके बारे में और जो जानकारी है वो गया प्रसाद जी बताएंगे कि इसकी खेती कैसे होती है और फुल डिटेल हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो अब बताइए आपकी जो है कैसे आपने से खेती स्टार्ट की, मतलब कि आपके दिमाग में आइडिया कहाँ से आया काला चावल जो है इसको उगाने का आइडिया कहाँ से आया शुरू शुरू में? हमें गया प्रसाद महोदय, हम बाराबंकी, मैंने एक बार नेट के साथ करके देखा था कि काला राइस, मतलब काला चावल, काला नमक, काला धान तो काफ़ी सुना था लेकिन इसमें काला चावल निकलेगा, और इसको लगाने का मतलब ये है कि ये शुगर फ्री है, मतलब डायबिटीज है, कैंसर वाले हैं, हार्ट पेशेंट हैं, ये सभी के लिए ये बहुत फायदेमंद है। इसको जो शुगर वाले चावल नहीं खा सकते, ये चावल वो खा सकते हैं। अच्छा, अच्छा। तो ये सोच कर मैंने जब इतना कुछ देखा तो मैंने सोचा इसको लगाना चाहिए। तो मतलब आपने खुद से ही इसको, किसी को किसी ने आपको बताया नहीं था करने के लिए? आपके दिमाग में क्रिएटिव आइडिया आता रहता है, जैसे कि आप वो बाकी की आप दूसरी बहुत सारी खेती मैंने देखी आप कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में ऐसा आया कि कुछ और अलग करते हैं, तो आपने काला चावल और उसके अकॉर्डिंग जो है, क्योंकि ये इसमें औषधीय गुण होते हैं जैसा कि आपने बताया, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और शुगर फ्री भी होता है, तो डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए जो ये बहुत अच्छी चीज़ है, चावल बहुत अच्छा है, और इसके अलावा ये कैंसर की रोकथाम करने में बहुत हेल्पफुल होता है ये, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने इस चीज़ को, इनके दिमाग में आइडिया आया। सर, इसका बीज कहाँ से आपको मिला था पहले शुरू शुरू में? मैंने एक अपने यूट्यूब पे सर्च करके जो है हरियाणा से हमने बात करके वहाँ से दो बीज का मंगवाया था, उनको बीज इसका 150 रुपये पर के जी मिला था, 150 रुपये कोरिया चार लगा मुझको, 300 रुपये के जी पे पड़ा था। अच्छा, 300 रुपये के जी। तो अभी आपने मतलब कितने हेक्टेयर में, कितने? अभी तो हमने आधा एकड़ में, आधा एकड़ में, तो आधा एकड़ में कितना बीज लगा था इसका? 2 kg बीज लगा था, 2 kg आधा एकड़ में लग गया था। और उसके बाद जो है इसका जो आपका जो टाइमिंग हुआ वो कितने वक्त में हुआ? 150 दिन में तैयार हुआ। अच्छा, जो नॉर्मल वाला होता धान वो कितने दिनों में होता है? तो 110, 120, 135 दिन है ऐसे तैयार होते हैं। और एक अपने यहाँ जो है वैरायटी काफ़ी पुरानी है, तो वो वैरायटी भी 150 दिन में होती है, इसको यहाँ देहात में जराहन वगैरह बोलते थे। अच्छा अच्छा, उसी प्रकार से इसकी हाइट बहुत होती है, 6 फीट तक हाइट होती है, लेकिन गिरता नहीं है, मजबूत है। अच्छा, ये जो अभी लगा हुआ ये लगभग कितने दिनों का हो गया जो पीछे लगा हुआ है? दिन का। अब इसकी हाइट 6 फीट के आसपास लगभग हो गई है इसकी? हाँ, 6 फीट के आसपास। ये इसमें तो थोड़ा कम है और दूसरे खेत में और ज़्यादा। अच्छा, और भी ज़्यादा है। हाँ। और इसमें मतलब कि इसको बोने में, इसकी फसल करने में कोई स्पेशल चीज़ ऐसी लगती हो, या जैसे कि पानी का मात्रा इतनी रखनी है, या मिट्टी ऐसी होनी चाहिए, या खाद ऐसी पड़नी चाहिए, ऐसा कुछ? खाद के विषय में बात करें आप, जैसे कि ये पेशेंट और बीमार लोगों के लिए है, जैसे डायबिटीज है,
और कैंसर वालों के लिए, तो इसको जैविक करना चाहिए, जैविक डीएपी यूरिया या पेस्टिसाइड नहीं डालना चाहिए, जो कि तो बाकी जो है ये तो नॉर्मल जैसे हर धान होते उसी प्रकार हो जाता है, पानी वानी का जो सिस्टम रहता है वो नॉर्मल धान तो धान में जितना हो ये। अब आपने ये मान लीजिए लगा दिया कि आसपास के क्षेत्र में तो शायद ये चीज़ कोई कर भी नहीं रहा है, हाँ, नहीं है। तो इसको जो जब इसका धान की फसल जब निकलेगी, मतलब जो काला चावल इसमें से निकल के आएगा, तो वो उसको सेल करने का क्या सिस्टम, क्या प्रावधान है, मतलब बेचने का कहाँ बेचेंगे आप, ओपन मार्केट में? अभी ओपन मार्केट में तो मार्केट तो इसका है नहीं, लेकिन अब इसके जो लोग जैसे कि हमने काला गेहूँ लगाया था तो उसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन जानकारी जो लोगों को हुई वो बराबर लेते रहे, हमारे पास 5-6 क्विंटल गेहूँ था सारा बिक गया। अच्छा, तो हमने इसका भी हमें अनुमान है कि आराम से बिक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी बिकने में। अच्छा अच्छा, जैसे कि मैं थोड़ा सा और रिसर्च की जानकारी की, तो पता चला कि ये पूर्वोत्तर साइड में उत्तर प्रदेश के चंदौली वगैरह एरिया में वहाँ बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में लगाया गया, तो लेकिन बेचने के प्रावधान अभी उनको भी नहीं, ये है कि लगा दिया है खेती हो गई है, और ऑनलाइन अगर सर्च करते हैं तो इसका रेट अभी जो हमको पता चला वो करीब 400 रुपये किलो के आसपास में है, तो क्या जो वो रेट ऑनलाइन चल रहा है वो सही रेट है, लगभग इतना ही रेट पड़ता है इसका, कितना रेट पड़ता है? रेट पहले का ये तो फिर वही जैविक वाला जो है बेच रहे हैं कि हमको 200 से 300-400 रुपये पर के जी बेचना है, लेकिन अब इतना महंगा 400 रुपये के जी में बेचना हर इंसान तो नहीं खा पाएगा, हाँ, इसलिए जो मैं तो सोचता हूँ 200 में बिक जाए तो काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जो आपने आधा हेक्टेयर लगाया है अभी बोल रहे हैं, तो इसमें लगभग कितने क्विंटल हो जाएगा ये? अभी हम इसकी पूरी डिटेल्स को सही ढंग से नहीं बता सकते, अंदाजन कितना तैयार हो, अंदाजन कितने हैं? आधे एकड़ में कम से कम ये हमको लगता है कि 12 से 15 क्विंटल जरूर हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। अच्छा, तो आप फसल एकदम रेडी है आप? बस अब कटने वाली है। अच्छा, इसमें मान लीजिए क्योंकि कोई जैविक वो खाद तो पड़ी नहीं है वैसी, तो जो ये बाकी जो खाद पड़ी हुई है आपने कंपोस्ट खाद यूज़ की है शायद, तो इसके अलावा कोई कीड़े वीड़े की समस्या तो नहीं आई खेती में? हाँ, कीड़े की समस्या आई थी तो हमने नीम ऑयल का स्प्रे कराया। अच्छा, नीम ऑयल का स्प्रे, मतलब वो भी ऑर्गेनिक भी हुआ है? वो भी अपना ही निकलवाया हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, बाकी कोई समस्या नहीं आई? हाँ, बाकी कोई समस्या नहीं। और हाँ, इसमें हमने जैसे फफूंदी जनित रोग आते हैं उसके लिए हमने देसी गाय का दही और उसमें कापर डाल के रखा था, उसके नीम ऑयल डाला है आपने, और जो बाकी फफूंदी के लिए देसी क्या बताया आपने, देसी देसी गाय का अपना दही, दही? अच्छा, देसी गाय का दही, उसमें कापर डाल के रखते हैं। अच्छा, तो उस पर स्प्रे करते हैं, तो जैसे एक हल्दी वाला लोग कंडुआ लोग बोलते हैं, वो इसमें नहीं लगा। अच्छा, स्प्रे हमने किए थे, इसका थोड़ी जो है पौधे इसके दूसरे खेत में लगाए गए थे, तो वहाँ पे वो कंडुआ लोग रहते हैं उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन इसमें जो हमने स्प्रे किया उससे जो है इसमें वो कंडुआ लोग नहीं आया। अच्छा, और बाकी इसके जो इसका साइज वगैरह है वो अपने कैसा है जो धान का? ये देखिए, जैसे अपने यहाँ मोटा धान होता है उस प्रकार का इसमें चावल है, तो इसमें हमने थोड़ा है कार्य किया है कि पहले जो 120 से 130 दिन में जो चावल पका है धान इसमें मिक्स था, वो हमने कैलकुलेट करके अलग रखा हुआ है। अच्छा, तो उसको हम जो है अलग वैरायटी तैयार करेंगे। और वो उसका चावल थोड़ा इससे पतला होगा, थोड़ा सा इसका, लेकिन ये सॉफ्ट है चावल इसका जो है काला चावल। ये इसमें जो है देखिए आपको दिखा दें, ये काला धान है और ये इसका चावल है, ये चावल भी काले रंग का ही होता है, अनपॉलिश्ड है एकदम। तो ये क्या पॉलिश के बाद क्या सफ़ेद हो सकता है क्या वापस से? हाँ, सफ़ेद हो जाएगा, एक पॉलिश ही रहेगा। अच्छा अच्छा, ये कम्प्लीटली जो है आप देख सकते हो ये एकदम शुगर फ्री होता है, ऑर्गेनिक है, इसमें कोई खाद किसी भी तरीके का केमिकल इस्तेमाल नहीं हुआ है ऐसी खेती में। और बाकी जो है इसको जो अगर जो इसमें बात की जाए कि अगर जो कोई कीड़ा या कोई समस्या जो होने लगी अचानक से या कोई फंगल तो उसके लिए भी ऑर्गेनिक चीज़ें ही प्रयोग की गई हैं, जैसे कीड़ा लगने के लिए इन्होंने नीम ऑयल का स्प्रे किया है इस पर, और फंगल फसल में कोई फंगल इन्फेक्शन अगर लग रहा है ऐसा कोई, तो उसके लिए उन्होंने गाय के दही को जो है उसमें कॉपर मिक्स करके और उससे जो है एक नया प्रयोग करके और उसके बाद उस पर स्प्रे किया गया है, जिससे उसको फंगल इन्फेक्शन जो ना हो और इसकी जो उपज हो वो अच्छी हो।
इसमें जो भी हमको लोग देख रहे हैं, अगर जो वो इसके आपसे इससे बीज लेना चाहें तो क्या आपके पास अवेलेबल हो पाएगा? हाँ बिल्कुल प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर जो इस फसल के बारे में आपको और कोई डिटेल जानकारी चाहिए और आपको इसके बीज चाहिए, इसको उगाने में क्या जो है कैसे क्या प्रोसेस है और क्या समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है आपको, तो वो सब चीज़ें जो होती हैं उसका सारा समाधान आपको इनसे मिल जाएगा। और गया प्रसाद जी का नंबर जो है मैं डिस्क्रिप्शन में जैसे मैंने लास्ट वीडियो में डाला था वो मैं फिर आपको डिटेल सारी वीडियो में पड़ जाएगी, फ़ोन नंबर वगैरह आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर आप उनका सारी डिटेल्स ले सकते हैं। बीज भी आप चाहे तो वहाँ से आप उनसे कॉन्टैक्ट करके ख़रीद सकते हैं। और ये आपको मैं एक बार खेती इसकी और दिखा देता हूँ, मुझे नहीं लगता है कि आपके सारे सवालों का जवाब अब इसमें मिल गया होगा। बहुत ही करीब 6 फीट का जो पेड़ है वो हो रहा है इसका, एक धान का पेड़ जो है, ये जो है इसका धान होता है और इसमें जो चावल निकलता है वो ऐसा आपको चावल मिलेगा। 100% ऑर्गेनिक राइस है, ब्लैक राइस। ये अगर जो आपको इसके बारे में कोई और डिटेल जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, जिससे मैं आपको सारी समस्याओं का समाधान कर सकूं। और इसके अलावा जो फ़ोन नंबर्स हैं वो भी अवेलेबल हैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, तो आप उनसे अधिक जानकारी ले सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।